यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त की सीबीआई जांच कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड जांच में पूरा सहयोग करेगा। दरअसल यूपी सरकार ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खरीद फरोख्त में अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है, तो प्रयागराज और लखनऊ में दर्ज मुकदमों को इसका आधार बनाया गया है। तो आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से इस पर बड़ा फैसला लेते हुए अब इसकी जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई है। तो वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त का ही पूरा मामला था और इन्हीं गड़बड़ियों के चलते अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच करेगी। उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड सरकार द्वारा वक्फ प्रॉपर्टियों को बेचे जाने और खरीदे जाने के संबंध में जो सीबीआई जांच कराए जाने का फैसला लिया उसका स्वागत करता है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड सीबीआई की जांच में सहयोग करने की दृष्टि से एक सूची तैयार कर रहा है जिसमें भ्रष्ट मुतवल्लियों ने वक्फ प्रॉपर्टियों को खरीदा है और या बेचा है अपने निजी स्वार्थ के चलते। उसमें कुछ इस तरह के भी मुतवल्ली हैं जो बहुत ऊंचे ओहदों पर भी हैं और कुछ धार्मिक ओहदों पर भी हैं। उनके नाम समेत हम भारत सरकार को अवगत कराने जा रहे हैं प्रमाण के साथ में, सबूतों के साथ में।